देश में पहली बार शुरू हुआ AK-203 राइफल का निर्माण। उत्तर प्रदेश की अमेठी में बन रही 6 लाख AK-203 मार्च में सेना को सौंपी जा सकती है AK-203 की पहली खेप। उनके भाषण ही रह जाते हैं, ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी। I am informed that they will be able to deliver this sometime by March of this year. तो सुना आपने, 3 साल के अंदर यूपी की अमेठी में दुनिया की सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल AK-203 की पहली खेप तैयार हो गई है, जिसे मार्च में सेना को सौंपा जाएगा। इंडियन आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस में से एक है और अब जल्द ही भारतीय वीरों के हाथ में AK-203 असॉल्ट राइफल होगी। AK-203 कलाश्निकोव सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल है। जो कंपनी इसे बना रही है उसका नाम है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस राइफल के आने से भारत में इंसास का इस्तेमाल करीब बंद हो जाएगा। भारतीय सेना के लिए तकरीबन 6 लाख असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करना है। इससे पहले रूस से 70,000 से 1 लाख राइफल्स, उनके पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भारत आई थी। यूपी की अमेठी में राइफल बनाने के लिए 2019 में IRRPL की स्थापना हुई थी और 3 साल में ही यहां राइफल की पहली खेप तैयार हो गई है। भारतीय सेना लंबे समय से इंसास राइफलों का इस्तेमाल कर रही है और उसे एक भरोसेमंद राइफल की तलाश थी, जिसे AK-203 ने पूरा कर दिया है। AK-203 इंसास राइफल की तुलना में ज्यादा हल्की और ज्यादा घातक होगी। AK-203 असॉल्ट राइफल का वजन 3.8 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। कम वजन और कम लंबाई की वजह से AK-203 असॉल्ट राइफल की हैंडलिंग आसान होगी और इस राइफल को लंबे समय तक होल्ड करना आसान होगा। इंसास की रेंज 400 मीटर है जबकि AK-203 की रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूर से दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। इंसास सिंगल शॉट और 3 राउंड का बर्स्ट फायर करती है। AK-203 सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलती है। सिर्फ एक ही मामले में इंसास बेहतर है। इंसास 1 मिनट में 650 गोलियां दाग सकती है जबकि AK-203 सिर्फ 600 गोलियां ही दागती है। पहली बार 70,000 AK-203 राइफल्स में रूसी कलपुर्जे लगे होंगे, लेकिन इसके बाद यह पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। ये राइफल्स इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाएगी। यह नाइट ऑपरेशंस में भी कारगर होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दावा किया है कि 5,000 AK-203 राइफलों की पहली खेप इस साल मार्च तक सेना को सौंप दी जाएगी। मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के साथ बड़ा एक्सपोर्टर भी बनना चाहती है। पहले इंडियन प्रोडक्ट्स को हल्की क्वालिटी का माना जाता था, लेकिन अब दुनिया भर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर में भारत अब नई सुपर पावर बन रहा है और दूसरे देशों में हथियार निर्यात भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।